जहां तक मुझे याद है, मैंने अपनी लाइफ में चाइनीज मूवी सिर्फ और सिर्फ टीवी पर जो आती थी उन्हीं को देखा था। एक तो वो सोकर वाली एक चाइनीज मूवी थी, और एक आदमी जो ऊपर से आते हुए हाथ जो वो जमीन पे एक बुद्धा की तरह वो निशान बना देते हैं। तो एक ये दो ही मैंने मूवी देखी हुई है, इसके अलावा एक दो और होंगी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो अभी एक नई चाइनीज मूवी मुलान मैंने देखी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मुलान मूवी के बारे में, जिसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया। आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। बट एक चीज, इस रिव्यू को सुनकर जाना, शायद तुम उसे देखने का मन शायद बदल लो। देखो, जब ये मूवी रिलीज होने वाली तो इस पर पहले से ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर थी क्योंकि जो हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर चाइना गवर्नमेंट के द्वारा जो उन्होंने जो वहां की जो पुलिस थी उन्होंने एकदम अंधाधुंध होकर उनके प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर लाठियां चलाई थी, बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। तो इस मूवी की जो मेन लीड जो एक्ट्रेस है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लियू जो भी है यार नाम आ रहा होगा यहां पे, तो इस लेडी ने इनका मतलब पुलिस का भरपूर सपोर्ट किया था, कहा था उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तो जो प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्टर है वो इसके विरुद्ध थे। दूसरा रीजन ये कि जहां पर ये मूवी शूट की गई जिंगजियांग प्रांत के अंदर, तो वहां पर जो मुस्लिम जो समुदाय है वो मतलब मुस्लिम जो जनसंख्या वो वहां पर बहुमत में ज्यादा है, तो ऑलरेडी उनके ऊपर चाइना गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो एक तरीके से वो एक जो समुदाय है वो इस पर विरोध कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन कोरोना वायरस। यार एक तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ला दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की मतलब क्या कहूं यार, वो गाली देने वाली छोड़ो यार, पूरी अर्थव्यवस्था इन्होंने खराब कर दी। और अब ये अर्थव्यवस्था खराब करके मूवी रिलीज कर रहे हैं, यार इनकी हिम्मत कैसे हो रही है मूवी रिलीज करने की। अब इस मूवी की अगर कहानी के बारे में बताऊं तो ये एक मूवी जो एनिमे मूवी थी 1998 के अंदर मुलान नाम से थी, उसकी एडॉप्टेशन है। एक लड़की है मुलान जो अपने घर से भागकर अपनी राजा की सेना में भर्ती हो जाती है लड़का बनकर। मतलब इसमें जो होता है लड़के को बहुत ज्यादा ऊपर हाई प्रायोरिटी दी गई है, लड़कियों को फौज के अंदर नहीं लेते तो वो किसी को बताती नहीं है। और यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, ची वर्ड यहां पर यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है कि हर एक इंसान के पास एक पावर होती है और वो अल्टीमेट पावर होती है। मतलब उससे वो भूकंप ला सकता है, उससे तूफान ला सकता है, कुछ भी ला सकता है उसके पास जिसके पास ये पावर होती है, और ये हर एक किसी के पास होती है। लेकिन ये जो पहचानने की जो क्षमता होती है इसको कंट्रोल करने की, वो बहुत कम लोगों के पास है, और उसमें से एक मुलान। तो मुलान अपने राजा को बचाती है और सब अपने देश में एक हीरो की तरह या हीरोइन की तरह मतलब सामने आती है, उसके परिवार की वाहवाही होती है, और बस यही एक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यार इस मूवी को देखने की कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको इसमें कोई भी लॉजिक यूज नहीं करना होगा। जब ये टीवी पर आती थी तो अजीबोगरीब चीजें देखकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब सच में कोई यार चाइनीज मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि एक तो उनके अंदर बिल्कुल भी कंटेंट नहीं होता, दूसरी चीज इसमें मुझे पता ही नहीं चलता कि बात किसके बारे में हो रही है, क्योंकि सबके सब एक जैसे ही दिख रहे होते हैं और इतने सिमिलर दिख रहे होते हैं कि यार तुम ये भी नहीं पहचान पाओगे कि लड़का कौन है लड़की कौन है, क्योंकि एक जैसी शक्ल एक जैसी बॉडी सबकी। और जब इसमें VFX यूज किए गए कमाल के हैं यार, सच में कमाल के इतने हैं कि यार देखकर भी यार एक बार आंखों को सैनिटाइज करने की जरूरत आ जाती है। और जो इसमें एक्शन दिखाया गया मुझे लगता है यार वो एक्शन नहीं, एक्शन का मजाक उड़ाया गया है। इसमें लोग 40-40 फुट दीवारों के ऊपर बिना रस्सियों के मतलब दौड़कर चढ़ जाते हैं और दीवार के ऊपर ही वो स्लिप कर रहे होते हैं। यार कुछ तो कुछ लिमिट में फेंका करो यार, तुमने तो हर लिमिट ही पार कर दी, हर सीमा ही पार कर दी फेंकने की। वैसे सीमा का उल्लंघन करना चाइना के खून में ही रहा है, ये हर एक सीमा के अंदर घुस जाता है लोगों के ऊपर मतलब उस देश के ऊपर अत्याचार करना, देश को दबाना, ये इसकी अपनी रणनीति रही है। तो इस जैसी मूवी से और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस घटिया मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 star। अगर किसी ने देखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो भाई साहब देखने की जरूरत भी नहीं है, चाइना माल ज्यादा चलता नहीं है, ये मतलब हवा में उड़ रहे हैं बिना पंखों के, इतना घटिया माल है, मतलब थोड़े दिन में ये जमीन पे भी आगे गिर जाएंगे। यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।